सो हाय एवरीवन, दिस इज़ जावास तोफिक, सेकेंड ईयर MBBS SMCH। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, रीडीट के बारे में, क्या क्या हुआ है अभी तक। आई थिंक फाइनल डिसीजन अभी तक आ चुका है। एंड नीट 2024 में आसाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, चार कॉलेजेस के लिए, जो टॉप के चार कॉलेजेस हैं, GMC, AMC, SMC और JMC, मतलब जिनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, उनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से ध्यान से बात कर लेंगे। और नीट का काउंसलिंग कब शुरू होगा, स्टेट काउंसलिंग कब शुरू होगा और ऑल इंडिया काउंसलिंग कब शुरू होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो वॉच इट प्रॉपरली और विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 5000 भी बना दो और डेफिनेटली इस साल के अंदर 10,000 भी बना के दे दो प्लीज़। @ जावास तोफिक इज़ माई इंस्टाग्राम ID। कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसमें मैसेज कर देना, आई विल रेस्पॉन्ड। एंड @ जावास तोफिक इज़ माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारे अपडेट्स उधर ही आते रहेंगे। सो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1K तक बना दो, ठीक है, थैंक यू। अब उसके बाद नीट 2024 के अपडेट्स क्या क्या आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है सारे मल्टीपल प्लीज रिगार्डिंग रीनीट। रीनीट नहीं होने वाला है, बिकॉज जो डाटा ऑन रिकॉर्ड है इट्स नॉट इंडिकेटिव ऑफ एनी सिस्टमिक लीक, सेंटिटी ऑफ एग्जाम नॉट ब्रीच, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, लीक हुआ था पेपर बिहार में एक टाउन में। सो वहाँ उस सेंटर के बाद, मतलब उस सेंटर से कहीं और पेपर गया है कि नहीं, उसका कोई प्रूव नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर लिया है रीनीट का जो प्ली है, ठीक है। अभी इतने हियरिंग के बाद ये हुआ है। And directing a fresh exam would be have serious consequences or cancelling the entire exam is not justified. फिजिक्स का जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ऑप्शन 4 है, मतलब IIT के एक पैनल बिठाया गया था, उन लोगों ने बताया है कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। और पैनल को फिर से डिसाइड करने के लिए ये बताया गया है कि जो ऑप्शन 2 है उसे नेगेटिव मार्क्स ना देके उसे जीरो मार्क्स के दिया जा सकता है कि नहीं, बिकॉज ओल्ड NCERT में ये ऑप्शन 2 करेक्ट दिया गया है और न्यू NCERT में ये दिया गया है, पर अभी के लिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी टेकन एज रॉन्ग आंसर। अब इसे क्या दिया जाता है हम देखेंगे, ठीक है, आई विल अपडेट ऑन दैट। सो फॉर फिजिक्स क्वेश्चन, सो इस फिजिक्स के क्वेश्चन के कारण क्या हुआ है कि पहले 67 टॉपर्स थे, अब टॉपर्स का नंबर 17 हो जाएगा, बिकॉज जो 44 कैंडिडेट्स थे, पहले तो 6 कैंडिडेट्स रीनीट से निकल गए और उसके बाद 44 कैंडिडेट्स जो थे उनको ये फिजिक्स का क्वेश्चन की वजह से उनको 720 आउट ऑफ 720 मिला था, अब उन लोगों को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से 17 विल बी द रिमेनिंग टॉपर्स। ओके, अभी क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि रैंक जो होगा, रैंक चेंज होने वाला है, ठीक है। रैंक्स और ऑल इंडिया रैंक जो है सारे स्टूडेंट्स का वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली आप देख ही सकते हो कि लाइक 17 स्टूडेंट्स का जो ये है मार्क्स मतलब चेंज होने वाला है। और काउंसलिंग जो है नीट UG के लिए वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आसाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम के रिगार्डिंग नीट 2024 जो है उसमें आसाम का जो कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है, अब ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जिन लोगों को 550, 600, 650 और 700 मार्क्स मिला है उनके ऊपर, मतलब वो कितने हैं और वो मतलब कौन कौन से कॉलेज लेंगे या आसाम के अंदर कॉलेज लेंगे भी या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। हाई स्कोरर्स जो है डेफिनेटली वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर अच्छा कॉलेज उन्हें मिला तो वो ले लेंगे, तो वो कौन सा कॉलेज, मतलब कितने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज लेंगे और जाएंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और लास्ट का जो फैक्टर है ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने अगर इंक्रीज हुए हैं तो उससे डेफिनेटली कट ऑफ कम जाना चाहिए, पर इस साल सिर्फ एक ही कॉलेज तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का सीट्स इंक्रीज हुआ है, प्लस 100 MBBS सीट्स हुआ है, जिसकी वजह से नॉट मच डिफरेंस, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये जो सारे डाटा से ये हम लाइक अनऑफिशियल आसाम के जो रैंक लिस्ट है उसके साथ कंबाइन करेंगे और उससे उसमें से सब मिला के देखेंगे कि सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि कितना कट ऑफ या कितना वो रेंज जा सकता है उस कॉलेज के लिए, ठीक है। पर डेफिनेटली द बेस्ट कंबाइंड जो डाटा होगा वो डेफिनेटली हमारा आसाम का मेरिट लिस्ट से आएगा, पर वो जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली इससे हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। राइट नाउ दिस इज द बेस्ट कंबाइंड डाटा वी हैव, ओके। सो इसी से हम ध्यान से कुछ एनालिसिस लगा देंगे। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, जो कट ऑफ ट्रेंड्स रहा है मेडिकल कॉलेजेस के लिए आसाम में वो कैसे कैसे रहा है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेफरेंस लिस्ट जो होता है, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने के लिए ये चॉइस आपको जानना चाहिए और डेफिनेटली आपको ये भी जानना चाहिए कि चॉइस फिलिंग जो करते हैं इसी के आधार पर करते हैं और क्यों किसी कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, किसी कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है। जो इन जनरल क्या होता है, जो नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सबसे पहले GMCH को भरते हैं, ठीक है, उसके बाद AMCH को भरते हैं, मतलब इसी वजह से GMCH का कट ऑफ हाईएस्ट जाता है, जिसके बाद AMC का कट ऑफ जाता है, जिसके बाद JMC और SMC का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद TMC और FMC का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, डीफू, लखीमपुर और कभी कभी धुबड़ी का भी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम चला जाता है इन तीनों कॉलेजेस का। नौगांव नलबड़ी का कॉलेज लाइक कट ऑफ सेम चला जाता है और इस साल मुझे लगता है कि तिनसुकिया का कट ऑफ नौगांव नलबड़ी के बाद ही रहेगा और कोकराझार का कट ऑफ सबसे लोएस्ट जाएगा, ठीक है, MBBS के लिए बोल रहा हूँ।
और जो कट ऑफ ट्रेंड्स है ये जो है ये मतलब जनरल और AWS के लिए ये होता ही होता है, मतलब ये डेफिनेटली ये गारंटीड है, मतलब यही ट्रेंड है। बाकी कैटेगरीज जो है उनके लिए कोई ट्रेंड नहीं है। कट ऑफ ट्रेंड्स फॉर OBC NCL ST Hills SC वेरी अलॉट, इसी वजह से उनके लिए जो ट्रेंड है वो मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता, वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मतलब जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इन जनरल ये है जो लाइक प्रेफरेंस लिस्ट या ट्रेंड बोल सकते हो, सबसे पहले GMC, उसके बाद AMC, उसके बाद JMC और SMC का डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सेम जाता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि SMC का ज़्यादा चला जाए JMC का कम चला जाए, या ये इसका ज़्यादा ये क्यों होता है। ठीक है, अब कोई अगर बाराक वैली का स्टूडेंट है, ठीक है, जो बाराक वैली में रहते हैं मतलब हाइलाकान्दी करीमगंज या शिलचर के स्टूडेंट्स है, तो वो लोग SMCH को प्रीफर करते हैं AMCH के ऊपर भी, इसीलिए उन लोग मतलब उस रीज़न से यहाँ का कट ऑफ GMC उसके बाद SMC का जाता है। और जो आप डेफिनेटली ब्रह्मपुत्र वैली से है या जोरहाट के पास ही अपर आसाम से है, ठीक है, जोरहाट डिब्रूगढ़ शिवसागर के जहाँ पर वो लोग रहते हैं, सो उनके लिए डेफिनेटली वो पहले GMC उसके बाद AMC उसके बाद JMC चूज़ करते हैं, उसके बाद कभी कोई TMC भी चूज़ करता है और उसके बाद SMC चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए SMC का कट ऑफ कम चला जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब रिगार्डिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आसाम्स का कोटा, मतलब आसाम का जो कोटा है वो कितने स्टूडेंट के पास है NEET 2024 के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। बिकॉज ये देखो, सबसे पहला बात है ये आसाम, ये NTA का डाटा है, आसाम का जो लाइक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नीट कैंडिडेट्स अपेयर्ड है इस साल का NEET 2024 के लिए, इट इज़ 44,193, पर जो हमारा जो रैंक लिस्ट निकला है अनऑफिशियल रैंक लिस्ट उसमें 44,273 कैंडिडेट्स है जिनका लाइक मार्क्स दिया गया है। पर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, मतलब 80 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आसाम के स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं और उन्होंने आसाम में आके एग्जाम दिया था, इसी वजह से उनका नाम इधर दिखा, मतलब उनका मार्क्स इधर दिखा रहा है। सो उन कैंडिडेट्स को हम माइनस कर लेंगे 80 में से। देखो 80 में से अगर हमें नेशनल एवरेज के ऊपर भी पकड़ूँ तो 10% अगर मैं सिलेक्शन रेशियो पकड़ूँ, जो बहुत ज़्यादा है, नेशनल एवरेज सिलेक्शन रेशियो इज 1.6%, पर मैं 10% पकड़ रहा हूँ, मतलब हाईएस्ट पकड़ रहा हूँ। सो इसमें से क्या होगा, इसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उन 8 लोगों से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 80 स्टूडेंट सिलेक्शन रेशियो इज मैक्सिमम 10%, 8 रैंक का डिफरेंस आएगा, वोंट ब्रिंग एनी डिफरेंस टू मार्क्स, मार्क्स में तो डिफरेंस लाने ही नहीं वाला है डेफिनेटली, 8 मतलब 8 रैंक से रैंक में डिफरेंस आएगा पर मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, डोंट वरी। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लोग फिर से देख सकते हो एक बार, NEET 2024 का आसाम का जो लास्ट कट ऑफ जाने वाला है जनरल के लिए मैंने बताया था 607 से लेकर 615 तक, EWS के लिए 602 से लेकर 610 तक, ये सारे कॉलेजेस के लिए, मतलब अगर सारे कॉलेजेस में AWS दिया जाएगा तभी जाके ये होगा। ठीक है, OBC के लिए 500 से लेकर 510 तक और SC के लिए 515 से लेकर 530 तक जाएगा। ठीक है, अब ST Plains और ST Hills के लिए मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि मेरिट लिस्ट आने दो, उसके बाद हम देखते हैं NEET 2024 में आसाम के कैंडिडेट्स कितने हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, पर इसमें कुछ और डाटा है जो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। 700+ कैंडिडेट्स 19 हैं इस साल, 650+ कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं 295, जहाँ लास्ट ईयर 600+ कैंडिडेट्स 232 थे, इस साल 650 वाले ज़्यादा हो चुके हैं। 600 वाले तो डेफिनेटली देख सकते हो 921 है, या एटलीस्ट 900 तो होने ही वाले हैं। ठीक है, 550+ 1830 और बाकी तो देख सकते हो, पर इसमें से सिग्निफिकेंट डाटा ये है कि 675 मार्क्स वाले 102 कैंडिडेट्स है और 685 मार्क्स वाले 56 कैंडिडेट्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 स्टूडेंट्स जो हैं जो 685 या 684 स्कोर कर रहे हैं उनका श्योर है ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज मिलना। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग इंपैक्ट लाएंगे, लास्ट राउंड तक उनका सीट चला जाएगा और जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा राउंड 2 और राउंड 3 में। ठीक है, या स्ट्रे में भी कम जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद GMC का कट ऑफ हम देख लेंगे। ठीक है, ये जो जितना भी कट ऑफ मैं बताऊंगा इसमें प्लस माइनस 5 ऐड कर लेना, बिकॉज डेफिनेटली थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। अब NEET 2023 में आप देख सकते हो इतना कट ऑफ गया था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये रहा था जो स्टेट रैंक, सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे जो कट ऑफ है आसाम के रैंक लिस्ट से निकाल के मैंने ये डिटरमाइन किया। ठीक है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी कैलकुलेशन लगा के एक एक करके मतलब कट ऑफ को डिटरमाइन किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैंने बोल दिया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको तर्क क्या है कट ऑफ को दिखाने का, आप देख सकते हो। सो इसी के हिसाब से GMC का कट ऑफ जो है जनरल के लिए सबसे ज़्यादा, जब जनरल के लिए सबसे ज़्यादा जाएगा डेफिनेटली 655 मार्क्स जाएगा, EWS के लिए 654 एक ही मार्क कम, OBC के लिए 612, SC के लिए 621, उसके बाद ST Plains और ST Hills के लिए कट ऑफ मैं नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट इट। अब AMCH के लिए कितना जा सकता है, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इट विल बी टिल स्ट्रे राउंड, ठीक है, जो लास्ट राउंड है उसी तक जा सकता है, और यहाँ पर भी मैंने जो NEET 2023 का कट ऑफ दिखाया है इट वॉज टिल द लास्ट राउंड।
नीट 2024 के लिए डेफिनेटली जनरल के लिए 644 तक जाएगा, EWS 643, OBC 576 और SC 586। स्क्रीनशॉट रख लेना अगर ज़रूरत होती है। GMCH के लिए जनरल का कट ऑफ जो है इट विल बी 635, EWS 630, OBC 545, SC 560। और SMCH के लिए डेफिनेटली उसके आसपास ही जाएगा, जनरल का 636, EWS का 635, OBC का 550 और SC का 562। ठीक है, बहुत ज़्यादा जा रहा है मुझे पता है, पर यही जाने वाला है इस साल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभी क्या करना है तुम्हें, अभी नीट 2024 का जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, अभी शुरू हो जाएगा, सो बी रेडी। तुम लोगों का मतलब कॉलेज में आने का टाइम आ गया है। MCC का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगा। MCC का PWD कैंडिडेट्स के लिए वेरीफिकेशन के लिए मतलब कुछ सेंटर दिए जाएंगे इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया, उनमें जाके तुम्हें अपना वेरीफिकेशन करवाना होगा, और उसके बाद EWS का, उसके बाद कुछ और कैटेगरीज का, और तब जाके बाद में एक बोल सकते हो कि MCC जो नोटिफिकेशन जारी करता है राउंड 1 के लिए वो जारी हो जाएगा। ठीक है, उसी के साइमल्टेनियसली स्टेट में भी तुम्हारा नोटिफिकेशन आता रहेगा DME आसाम में जो है। सबसे पहले PWD कैंडिडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद EWS का, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट भी जल्दी आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। रेडी रहना। सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि तुम्हें डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके रखने होंगे, और अगर तुम लाइक तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है और तुम्हें फिर से प्रिपरेशन करना है तो अभी स्टार्ट कर लो। अभी सब कुछ डिटरमाइन हो चुका है कि रीनीट नहीं होने वाला है, नाउ यू विल बी इन सम स्टेबल स्टेट की सब लाइक कुछ तो कॉन्क्रीट न्यूज़ आ चुका है ना, सो उसकी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। और डेफिनेटली अभी MBBS मिलना मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर कट ऑफ का क्या होगा कोई किसी को नहीं पता है, सो अगर अभी कोई कोर्स मिल रहा है तो उसे लेकर रखो। ठीक है, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ओके, और ऑल नोटिफिकेशन और अपडेट्स मैं चैनल पे देता रहूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।